बीते 7 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों और किसानों के परिश्रम से देश की कृषि क्षेत्र को नई गति मिली है, तो किसानों की आमदनी भी लगातार बढ़ रही है। देश में लगातार लोकप्रिय हो रही प्राकृतिक कृषि खेती किसानी में नया आयाम जोड़ रही है। प्राकृतिक खेती के चलते जमीन की उर्वरा क्षमता बढ़ रही है, तो कृषि के अन्य उपायों के मुकाबले प्राकृतिक कृषि में फसलों का उत्पादन भी ज्यादा हो रहा है। देश में करीब 75% लघु एवं सीमांत किसान हैं। कम लागत वाली प्राकृतिक खेती ऐसे किसानों की सभी चुनौतियों का हल भी निकाल रही है। एक तरह से इसे जीरो बजट फार्मिंग माना जा रहा है, जिसमें बाजार से कोई चीज खरीदने की बजाय घर में ही उपलब्ध वस्तुओं के जरिए खेती की जा सकती है। प्राकृतिक खेती का सबसे पहला सिद्धांत है, जमीन का स्वास्थ्य मजबूत करो। इससे पौधों का स्वास्थ्य अपने आप मजबूत हो जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि देश के हर क्षेत्र का किसान आसानी से इसे अपना सकता है। प्राकृतिक खेती के लिए बहुत ही सामान्य चीजों का ध्यान रखने की जरूरत है। मसलन, जुताई कैसे करें, बुआई और सिंचाई के वक्त क्या ध्यान रखें, और प्राकृतिक तरीके से तैयार खाद या कीटनाशकों को कैसे इस्तेमाल करें। आइए इस आसान सी प्रक्रिया को समझने की कोशिश करते हैं। ये कृषि मुख्य रूप से एक देसी गाय पर आधारित है, जिससे 30 एकड़ भूमि में आसानी से खेती हो सकती है। वैज्ञानिक परीक्षणों के मुताबिक देसी गाय के 1 ग्राम गोबर में 300 से 500 करोड़ जीवाणु पाए जाते हैं, जबकि विदेशी गाय के 1 ग्राम गोबर में केवल 70 से 80 लाख जीवाणु ही पाए जाते हैं। देशी गाय के गोबर में पौधों के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व होते हैं, तो गोबर और गौमूत्र के इस्तेमाल से खाद और कीटनाशक तैयार किए जा सकते हैं। इतना ही नहीं, जो गाय दूध नहीं देती उनमें जीवाणुओं की संख्या कहीं ज्यादा होती है। एक तरह से प्राकृतिक खेती उन पशुओं की समस्या का भी समाधान निकाल सकती है, जिन्हें एक समय अनुपयोगी मान लिया जाता है। जुताई, प्राकृतिक कृषि में गहरी जुताई नहीं की जाती, क्योंकि ये भूमि की उपज शक्ति को कम कर देती है। ऐसे में जुताई के लिए पशुओं या हल्के ट्रैक्टर का उपयोग होता है। देसी बीज, जुताई के बाद बुआई की बारी आती है। प्राकृतिक कृषि में देसी बीजों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्राकृतिक खेती में कुछ और छोटी छोटी चीजों का ध्यान भी रखना जरूरी है। जल प्रबंधन, बुआई के बाद अब सिंचाई की बात कर लें। प्राकृतिक कृषि में सिंचाई पौधों से कुछ दूरी पर की जाती है। इसमें मात्र 10% जल का ही उपयोग होता है, जिससे 90% जल की बचत होती है। पौधों की दिशा, प्राकृतिक कृषि में पौधों की दिशा उत्तर दक्षिण होती है, जिससे पौधों को सूर्य का प्रकाश अधिक समय तक मिलता रहे। इससे कीट लगने की संभावना भी कम हो जाती है और पौधों में पोषक तत्व भी संतुलित मात्रा में संचित होते हैं। पहले ही साल उत्पादन भी लगभग 20% बढ़ जाता है। देसी केंचुओं की गतिविधियां, देसी गाय के गोबर में भारतीय केंचुओं के बढ़ने की परिस्थितियां रहती हैं। ये भूमि के अंदर छेद कर भूमि की सतह को खाद्य तत्वों से समृद्ध बनाते हैं। कम लागत प्राकृतिक कृषि का नारा है, गांव का पैसा गांव में और शहर का पैसा गांव में। प्राकृतिक कृषि में उपयोग होने वाली खाद आसानी से घर में ही उपलब्ध वस्तुओं से बनती है। कम लागत प्राकृतिक कृषि में गाय के गोबर, गौमूत्र, बेसन और गुड़ जैसी चीजों के सहारे जीवामृत और घन जीवामृत नाम के 2 प्रकार के खाद तैयार किए जाते हैं, जिसके लिए बाजार से कुछ भी खरीद कर लाने की आवश्यकता नहीं है। जीवामृत निर्माण की विधि, इसके लिए देसी गाय का गोबर 10 किलोग्राम, देसी गाय का मूत्र 8 से 10 लीटर, गुड़ 1 से 2 किलोग्राम, बेसन 1 से 2 किलोग्राम, पानी 180 लीटर और पेड़ के नीचे की मिट्टी 1 किलोग्राम ले लेंगे। सामग्रियों को प्लास्टिक के एक ड्रम में डालकर लकड़ी के एक डंडे से घोलें। इस घोल को 2 से 3 दिन तक सड़ने के लिए छाया में रख दें। प्रतिदिन 2 बार सुबह शाम घड़ी की सुई की दिशा में लकड़ी के डंडे से 2 मिनट तक इसे घोलें और जीवामृत को बोरे से ढक दें। इसके सड़ने से
अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन जैसी हानिकारक गैसों का निर्माण होता है। गर्मी में जीवामृत बनने के बाद 7 दिन तक उपयोग में लाएं। सर्दियों में 8 से 15 दिन तक जीवामृत का उपयोग कर सकते हैं। जीवामृत को महीने में 2 बार या 1 बार उपलब्धता के अनुसार सिंचाई के साथ खेत में डाला जाता है, जिससे भूमि में जीवाणुओं की संख्या अविश्वसनीय रूप से बढ़ जाती है और अच्छी फसल तैयार होती है। घन जीवामृत, गोबर, गुड़, दलहन का आटा, 1 मुट्ठी खेत की मिट्टी और गौमूत्र की मदद से घन जीवामृत तैयार किया जाता है। गीले घन जीवामृत को सुखाकर इस्तेमाल किया जाता है। किसी भी फसल की बुआई के समय प्रति एकड़ 100 किलोग्राम छाना हुआ गोबर खाद और 100 किलोग्राम घन जीवामृत मिलाकर बीज बोइए। बहुत ही अच्छे परिणाम मिलते हैं। बीजामृत या बीज अमृत, गोबर, गौमूत्र, चूना या कली, पानी और खेत की मिट्टी की मदद से बीजामृत को तैयार किया जाता है। बुआई से पहले बीजामृत का इस्तेमाल किया जाता है। बीजामृत द्वारा शुद्ध हुए बीज जल्दी और ज्यादा मात्रा में उगते हैं। इतना ही नहीं, गोबर, गौमूत्र, नीम के पत्तों, हल्दी, लहसुन और लाल मिर्ची जैसी चीजों का अलग अलग विधियों के द्वारा इस्तेमाल से कीटनाशक भी तैयार किए जा सकते हैं। जल संचयन पर सरकारें करोड़ों रुपए खर्च करती हैं, जबकि प्राकृतिक खेती में भारतीय केंचुए संचयन के इस काम को आगे बढ़ाते हैं। देशी गाय का गोबर केंचुओं के लिए भी एक उपयुक्त माहौल बनाता है। केंचुए जमीन इस तरह से खोदते हैं ताकि खेत में अधिक वर्षा की स्थिति में ज्यादा जल जमा नहीं होता है, तो साथ ही भूजल भी तेजी से रिचार्ज होता है। प्राकृतिक खेती इतनी सरल है कि इससे जमीन की उर्वरा क्षमता तो बढ़ेगी ही, 70% तक जल की खपत को कम भी किया जा सकेगा। कम लागत प्राकृतिक खेती गौ माता को बचाएगी, पर्यावरण की रक्षा करेगी, किसानों की लागत कम करेगी और साथ ही इसके जरिए लोगों को कई बीमारियों से भी बचाया जा सकेगा।